जानिए नागराज मंजुलेका गांव से फिल्म सैराट तक का सफर। साल 2016 में रिलीज हुई मराठी फिल्म सैराट ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की। 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने ओवरऑल करीब 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। फिल्म के हिट होते ही इसके स्टार्स रिंकू राजगुरु, आकाश ठोसर समेत डायरेक्टर नागराज मंजुले भी चर्चा में आ गए। बता दें कि महाराष्ट्र के एक पिछड़े गांव से निकलकर फिल्म डायरेक्टर बनने तक नागराज ने काफी स्ट्रगल किया। जानिए कैसी है उनकी पूरी कहानी। नागराज का जन्म सोलापुर जिले के करमाला तहसील के पिछड़े गांव चेऊर में हुआ था। घर में गरीबी होने के कारण नागराज के पिता पोपटराव से उनके भाई बाबूराव मंजुले ने उन्हें गोद ले लिया। बचपन से ही नागराज को फिल्में देखने और कहानियां सुनने का शौक था, इसलिए स्कूल बंक करके वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाते थे। फिल्म देखने और नशा करने के लिए नागराज के पास पैसे नहीं थे, इसलिए अपना ध्यान बटाने के लिए उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने पुणे से मराठी में एमए किया और एमफिल की पढ़ाई करते हुए मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया। कुछ समय बाद उनका सिलेक्शन महाराष्ट्र पुलिस में हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों में पुलिस की नौकरी छोड़ वापस गाँव आ गए। पैसों की तंगी हुई तो रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की और दिन में लोगों के कपड़े तक प्रेस किए। नागराज और सुनीता दोनों की शादी 1997 में हो गई थी। जब नागराज 4th स्टैंडर्ड में थे तब उन्हें शराब पीने की लत लग गई थी। उनके पिता जब उनसे शराब मंगवाते थे तो रास्ते में बोतल से कुछ शराब निकाल कर पी जाते थे और बोतल में पानी भर देते थे। इसके बाद 7th क्लास में नागराज ने शराब छोड़ दी, लेकिन गांजा सिगरेट पीने की लत ने उन्हें घेर लिया। वे सिगरेट पीने वालों के आसपास खड़े हो जाते और उन्हें सिगरेट पैर से कुचलने से मना करते, फिर बची हुई सिगरेट को उठाकर खुद पी लिया करते थे। नागराज की शादी 1997 में सुनीता से तब हो गई जब वो महज 19 साल के थे और 12वीं क्लास में पढ़ते थे। शादी के करीब 15 साल बाद उन्होंने 2012 में डाइवोर्स केस फाइल किया और साल 2016 में उन्हें फाइनली तलाक मिल गया। मराठी फिल्म सैराट से हिट हुए डायरेक्टर नागराज मंजुले से एक जुड़ा विवाद भी है। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर गुजारा करने वाली उनकी पूर्व पत्नी सुनीता ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुनीता के मुताबिक मंजुले भले ही अपनी फिल्म में महिलाओं के अधिकार की बात करते हों, पर असलियत में उनका कैरेक्टर इससे अलग है। उन्होंने बताया कि हमारी शादी के बाद वो मुझे पीटा करते थे। मंजुले और उनका बाकी परिवार उनके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करता था। सुनीता ने बताया कि नागराज ने मेरा लगातार 3 बार अबॉर्शन कराया। जब मैं मना करती थी तो वो मेरी पिटाई करते थे। तलाक के बाद मुझे सेटलमेंट में 7 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से 1 लाख वकील ने ले लिए। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, जो थे वो पेरेंट्स की देखभाल में खर्च हो गए। फिल्म पिस्तौल लेके नागराज को 2010 में 58th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। यह फिल्म एक दलित लड़के की कहानी पर बेस्ड है जो स्कूल में पढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन उसकी पढ़ाई में फैमिली की गरीबी और दूसरी चीजें आड़े आती हैं। इसके अलावा साल 2013 में फिल्म फैंड्री के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड और इंदिरा गांधी अवार्ड के अलावा फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। साल 2016 में सैराट फिल्म को 69th नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। नागराज द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म सैराट की कहानी एक अमीर और गरीब लड़की की इमोशनल प्रेम कहानी है। लड़का गरीब है, उसे ऊंची जाति वाली जमींदार की लड़की से प्यार हो जाता है। जमींदार को प्रेम का पता चलता है। इसके बाद सोसाइटी और जमींदार से भागते हुए बच्चों को प्रेम से संघर्ष करते हुए दिखाया गया है।